पिपरौदा तहसील क्षेत्र के ग्राम कमला खेड़ा में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कल खेड़ा मेला समिति एवं ग्रामवासियों के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार शिव भक्तों की शिवालयों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें दर्शन के लिए देखने को मिली, जहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर कमला खेड़ा में प्रतिवर्ष 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें क्षेत्र के सभी बच्चे, महिलाएं, पुरुष मंदिरों पर दर्शन करने एवं मेले का आनंद लेने पहुंचते हैं। मेला समिति अध्यक्ष मुकेश पाटीदार द्वारा बताया गया कि इस मेले का आयोजन कई वर्षों से किया जाता रहा है। मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। जहाँ पर कमलेश्वर महादेव मंदिर में कलश यात्रा में 51 कलश छोटी छोटी बच्चियों एवं महिलाओं द्वारा उठाए जाते हैं। कलश उठाकर गांव में शोभा यात्रा के रूप में निकाली जाती है और शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया जाता है। मेला समिति के श्याम पाटीदार, अशोक पाटीदार, राहुल पोरवा, लाल सिंह सोनगरा और साथ ही में गोपाल जमादार आदि कार्यकर्ताओं ने लगातार 3 दिवस तक मेले का आयोजन की व्यवस्था से सहयोग प्रदान किया है। इसमें शोभा यात्रा के पश्चात महाआरती एवं प्रसादी वितरण किया गया। मेला व्यवस्था में थाना प्रभारी दीपक मंडलोई द्वारा पुलिस एवं नगर ग्राम सुरक्षा समिति सदस्यों का भी सराहनीय योगदान रहा। ये श्री कमलेश्वर महादेव मेला करीब करीब 100 वर्ष पहले से आयोजित होता है और यह मेला प्रति दिन 3 दिन के लिए आयोजित होता है, जिसमें समस्त गांव वालों का चंदा होता है और उससे यह मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव की, कमलेश्वर महादेव की एक विशेषता यहाँ यह है कि यहाँ पर जो भी लोग पुत्र प्राप्ति के लिए अगर अर्जी लगाते हैं भगवान के श्री चरणों में, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह मेला बहुत ही शुभदायक है, यहाँ पर व्यापार भी प्रसन्न होकर ही जाते हैं कि हर व्यापारी का अच्छा व्यापार होता है यहाँ पर, और यह मेला शांति से सम्पूर्ण होता है। जय श्री महाकाल। आपका नाम और कौन? मेरा नाम श्याम सुंदर पाटीदार, मैं मेला समिति का सदस्य हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पिपलोदा से जीपी मालानी की रिपोर्ट।